दोस्तों, प्राचीन समय में राजा अपने राज्य या किले की रक्षा के लिए क्या कुछ नहीं करते थे। यहाँ तक कि वे सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात की भी कीमत नहीं समझते थे। आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक किले के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतिहास में अमर है, क्योंकि वहाँ जो घटना घटी थी वो न तो दुनिया में कहीं और घटी है और न ही कभी घटेगी। इस घटना की वजह से ही किले का नाम विश्व इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। आज हर देश के पास युद्ध लड़ने के लिए एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार है, लेकिन इतिहास में जब आप झांकेंगे तो पता चलेगा कि पहले युद्ध तलवारों और तोपों से लड़ा जाता था। तोप चलाने के लिए गोले बारूद की जरूरत पड़ती थी, लेकिन भारतीय इतिहास में एक लड़ाई ऐसी भी हुई थी जिसमें लोहे के गोले की जगह चांदी के गोलों का इस्तेमाल हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज आपको इस युद्ध के बारे में विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की धरती पर स्थित एक ऐसे किले की जो अपने आप में बेहद खास है, जिसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। शायद एक राजसी ठाट को बयां करने का यह भी एक अनोखा अंदाज है। इस किले का नाम चूरू का किला है। दोस्तों, चूरू किला राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है, जिसे ठाकुर कुशन सिंह ने बनवाया था। 17वीं शताब्दी में 1694 ईस्वी में बने इस किले ने अपने दौर में यूं तो कई लड़ाइयां देखी थी, लेकिन 19वीं सदी में शुरुआत में यहाँ एक ऐसी लड़ाई देखने को मिली जिसने इसे इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो लड़ाई जिसने चूरू का नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया, दरअसल बात है 1814 ईस्वी की, जब चूरू किले पर बीकानेर रियासत के राजा सूरत सिंह ने आक्रमण कर दिया था। तब लड़ाई के दौरान चूरू की सेना का मनोबल टूटने लगा था। इसका कारण था किले में गोला बारूद का खत्म होना। तब चूरू की प्रजा ने अपना धर्म निभाया और अपने तत्कालीन राजा शिवजी सिंह को एक अनोखा दान दिया, जिससे इतिहास में यह लड़ाई हमेशा के लिए यादगार बन गई। वह अनोखा दान था जेवरों का। जी हाँ दोस्तों, प्रजा ने राजा को बचाने के लिए अपने राजा के चरणों में सारा सोना चांदी रख दिया। इसके बाद जो हुआ वो वाकई में जानने लायक है। प्रजा से आभूषण मिलने पर राजा ने तुरंत उन्हें गलवा कर गोले बनवाए और दुश्मनों पर दागने शुरू कर दिए और आक्रमणकारियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यह घटना चूरू के इतिहास में अमर हो गई। दोस्तों, इस पर एक लोकोक्ति प्रचलित है, धोर ऊपर नीमड़ी, धोरे ऊपर तोप, चांदी गोला चालत्या, गोरा नाख्या तोप, विको फिको पड़त गयो, बन गोरा अंगीर, चांदी गोला चालिया, चूरू की तासीर। दोस्तों, अब बात करते हैं आप चूरू किले में कैसे पहुंच सकते हैं। बात करें वायु मार्ग की तो नजदीकी एयरपोर्ट दिल्ली है, यहाँ से मुख्य शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाएंगी। बात करें रेल मार्ग की तो चूरू में रेलवे जंक्शन है, यहाँ के लिए मुख्य शहरों से ट्रेन मिल जाएंगी। सड़क मार्ग की बात करें तो राजस्थान परिवहन व प्राइवेट बसें मुख्य शहरों से मिल जाती हैं, आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा चूरू का किला आपको, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अन्य किसी टॉपिक के साथ।